लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक के बाद एक रोजाना झटके लग रहे हैं। अपनी जमीन तलाशने के लिए कांग्रेस नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका देते हुए तीन नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। बता दें कि रोजाना छोटे से लेकर बड़े नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के तीन नेताओं ने अपने समर्थकों समेत बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनमें कांग्रेस के टीकमगढ़ से पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, विदिशा के जिला अध्यक्ष राकेश कटारे और खजुराहो के कांग्रेस नेता कैलाश द्विवेदी को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद रहे। परिवार में विदिशा के कांग्रेस के अभी तक जिलाध्यक्ष थे, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके साथ कई जनप्रतिनिधि, पंच सरपंच से लेकर के जनपद जिला पंचायत, वो सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। टीकमगढ़ के हमारे वरिष्ठ नेता, वहां के कांग्रेस के रहे विधायक गणेश अहिरवार जी, जो इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बुंदेलखंड के क्षेत्र में ही खजुराहो लोकसभा के, वहां के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई कैलाश द्विवेदी जी, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि कांग्रेस ने भगदड़ मची है, तो ये कांग्रेस की भगदड़ आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर लोगों को लगता है कि हमें कुछ काम करना है, सामाजिक दृष्टि से भी और देश के लिए कुछ काम करने की भूमिका अगर बनती है तो लोगों को लगता है कि आज के समय में अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करना है।